सौतेली बीवी। एक गांव है रामपुर। उस गांव में एक परिवार रहता है, अमन, उसकी पत्नी शिल्पा और उसकी बूढ़ी माँ पार्वती। अमन गांव का एक किसान है। उसके पास खेती की काफी मात्रा में जमीन थी। अमन और शिल्पा दोनों मिलकर खेती के काम से लेकर अनाज मंडियों में बेचने तक का काम किया करते थे। दोनों मेहनत करके काफी पैसा जमा भी किए हुए थे। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था, अमन सोया हुआ था, तभी शिल्पा चाय लेकर आती है। उठिए जी, चाय लेकर आई हूँ। अमन उठकर बैठता है। चाय रख दो, हम पी लेंगे। हम नहीं चाहते सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देखें। पनौती जैसा चेहरा देखकर मेरा पूरा दिन खराब निकल जाता है। चलो निकलो यहाँ से अब। और हाँ, अभी तुम मेरे लिए ऑमलेट और ब्रेड बनाकर रखो। एक तो तुम्हारा चेहरा बेकार है, ऊपर से तुम्हारे हाथ का बना खाना भी अच्छा नहीं होता। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है और अमन रोज ही शिल्पा को कुछ न कुछ खरी खोटी सुनाते रहता था। वो भले सुंदर उतना नहीं थी, पर दिल की बहुत अच्छी थी। वो अमन की बातों को बुरा न मानकर खुद में ही जो कमी है उसे ढूंढने की कोशिश करती थी। और इसका एक कारण था, शिल्पा और अमन की शादी हुए 5 साल हो गए थे, फिर भी वो अब तक माँ नहीं बन सकी थी। इसकी वजह से भी अमन को शिल्पा के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। एक दिन शिल्पा अमन का गुस्सा ठंडा करने के लिए कहती है, चलो जी कुछ दिन के लिए मायके से घूम आते हैं। मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। मेरी ही किस्मत खराब थी जो तुम्हारी जैसी लड़की से मेरी शादी हो गई। मुझे लगता है माँ की मति फिर गई थी, जो तुम्हें मेरे पल्ले बांध दिया था। उन्होंने ही तुम्हें पसंद किया था। ना तो तुम देखने में सुंदर हो और ना तुम मुझे अब तक औलाद का सुख दे पाई हो। अरे तो इसमें बहू का क्या दोष है? डॉक्टर से चेकअप करवाया था, सब तो ठीक है, पर वो माँ नहीं बन पाई, तो इसमें इसका क्या कसूर है? इसमें इस बेचारी की कोई दोष नहीं है। माँ, तुम मेरी माँ होकर उसकी माँ बनकर बात कर रही हो? दुनिया में कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बेटे को छोड़कर दूसरे के लिए बोलती है? ना जाने इसने तुम पर क्या जादू किया है जो तुम हमसे ज्यादा प्यार इससे करती हो। सुन अमन, तेरे पिताजी सिर्फ इसको बहू ही नहीं अपनी बेटी बना कर लाए थे, इसलिए इसे उल्टा सीधा बोलना बंद कर। ये सुनकर अमन गुस्से से शिल्पा को धक्का देकर बाहर निकल जाता है, जिससे शिल्पा रोने लग जाती है। माँ मैं क्या करूँ, मैं माँ नहीं बन पाई, मैं कैसी लड़की हूँ जो इस परिवार को थोड़ी भी खुशी नहीं दे पाई। उसी गांव में अमन का एक दोस्त रहता है, परेश। अमन जब भी घर से गुस्सा करके निकलता तो वो परेश के घर में चला जाता था। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बताऊं तुझे, सुबह सुबह मेरी वाइफ का मुंह देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता है। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। मेरे पिताजी जोर जबरदस्ती से हमारी शादी करवा दिए थे, जिसकी सजा अब मुझे भुगतनी पड़ रही है। ना देखने में सुंदर है और ना तो कभी माँ बन सकती है, और उसके ऊपर मेरी माँ उसे अपने सर पर बैठा रही है। तभी परेश की छोटी बहन, जो हॉस्टल में पढ़ाई करती थी, वो चाय लेकर आती है। उसका नाम है शिवांगी। भैया, भाभी ने चाय भेजी है। भाभी बंटी को नहलवा रही है। अमन शिवांगी की खूबसूरती को देख दीवाना सा हो गया था और वो बार बार उसकी ही तरफ देखे जा रहा था। शिवांगी चली जाती है। कहाँ खो गए अमन? अरे ये लो चाय पी लो। ये तेरी बहन बड़ी हो गई है, मैं उसे पहले पहचान ही नहीं रहा था। बड़ी खूबसूरत हो गई है, कब आई है? ये कल ही आई है हॉस्टल से, अभी उसने ग्रेजुएशन कर ली है। अमन शिवांगी के बारे में ना जाने क्या प्लानिंग की सोच में पड़ गया था, और फिर आए दिन कोई ना कोई बहाना लेकर अमन शिवांगी को देखने रोजाना परेश से मिलने आ जाया करता था। और धीरे धीरे वो जानबूझकर शिवांगी को प्यार में फंसाने लगा था। और एक दिन अमन परेश के घर आता है। परेश उस दिन घर पर नहीं था। शिवांगी अमन के लिए चाय लेकर आती है।
चाय लेते हुए अमन उसके हाथों को सहला देते हैं। शिवांगी शर्मा जाती है। बहुत सुंदर दिख रही हो, तुम्हारी आंखें बहुत ही सुंदर हैं। आप मेरा बेकार की ही तारीफ किए जा रहे हैं। कभी तो आपने मुझे कोई गिफ्ट लाकर दिए ही नहीं। बस यही बात है, देखना कल तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। और फिर दूसरे दिन अमन अपने घर में रखी अलमारी से सारा कैश निकाल कर ले जाता है और वो शिवांगी के साथ मार्केट ले जाकर ढेर सारा गिफ्ट दिलवाता है और सोने का एक नेकलेस भी खरीद कर देता है। अमन और शिवांगी दोनों मार्केट में हाथों में गिफ्ट लिए हुए परेश के घर आते हैं। परेश उन दोनों को साथ देखकर शिवांगी से पूछता है, ये सब क्या है शिवांगी? भैया, अमन जी ने मुझे ये सोने की नेकलेस दी है और ढेर सारे कपड़े, आपकी, भाभी की और बंटी के लिए भी। ये क्या है अमन, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बहन के साथ। परेश, मैं शिवांगी से प्यार करने लगा हूँ और शादी करना चाहता हूँ। हाँ भैया, मैं शादी करूँगी तो अमन से, नहीं तो जहर खाकर मर जाऊंगी। अमन अपने घर आता है। घर में रखी 30,000 क्या तुम लेकर गए थे? हाँ माँ, मैंने लिया है। और मैं एक बात बता दूँ, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। दूसरी शादी के बारे में तूने कैसे सोच लिया? शिल्पा ने तेरे लिए क्या नहीं किया? वो दिन रात खेतों से लेकर घर तक का पूरा काम करती है। उसने कितने दिनों से ये रुपए जमा की थी, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम 2-4 दिनों में ही एक सुंदरी को देखकर उसके प्रेम जाल में फंस गए और तुम उसे शिल्पा की सौतन बनाकर लाना चाहते हो। माँ, आप अपने आप को संभालिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अमन, तू उसे शादी करके ला रहे हो वो तो ठीक है, पर तुम एक दिन जरूर पछताओगे। अमन दूसरे दिन शिवांगी को मंदिर में ले जाकर शादी कर घर ले आते हैं, दोनों के गले में शादी के हार पहने हुए। माँ, आज से शिल्पा तुम्हारे कमरे में रहेगी। और एक बात बताता हूँ, मैं आप लोगों के खर्चे के लिए पैसे नहीं दे पाऊंगा। जमीन से खेती का अनाज जितना भी होगा वो सब आधे आधे में बट जाएगा। उस दिन के बाद से अमन और शिल्पा अलग अलग रहने लगे। इधर शिवांगी फालतू खर्चे करने में माहिर थी क्योंकि वो शहर में रहकर जो आई थी। शिवांगी रोज ही अमन को लेकर मार्केट निकल जाया करती थी और खूब शॉपिंग और होटल में खाना पीना करती थी। फिर ऐसे ही एक दिन शिवांगी सज धज कर अमन के इंतजार में बैठी थी, तभी अमन घर आता है। कहाँ थे इतनी देर? तुमने तो कहा था आज मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने ले जाएंगे। अरे हाँ बाबा, ये देखो 2 टिकट लाया हूँ, अब तो खुश? चलो तैयार हो जाओ, शो का टाइम होने जा रहा है। हाँ हाँ, हम तो कब से तैयार हैं। और आए दिन ऐसे ही शिवांगी और अमन बाहर होटल में खाना खाने से लेकर फिल्म देखने, ये सारे फालतू खर्चा चला आ रहा था। और फिर एक साल के बाद अमन को एक बेटा होता है। बेटे के नामकरण के लिए एक धूमधाम से पार्टी रखता है। पार्टी में खर्चे के लिए उसने जमीन के कागजात गिरवी रखकर कर्जा लेकर वो खर्चा करता है। एक दिन अमन शिवांगी को कहता है, क्या करें शिवांगी, कैसे संसार चलाएंगे? मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा है। देखो, तुम्हें बच्चा चाहिए था, वो मैंने दे दिया, लेकिन ऐसे गरीबी में संसार नहीं चला सकती मैं। शिवांगी गुस्से से कमरे में चली जाती है। अमन मायूस उसे देखता है। एक दिन अमन का बेटा बहुत बीमार पड़ जाता है। वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर चेकअप करके बताता है, देखिए बच्चे का अर्जेंट एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, कम से कम 25,000 की जरूरत पड़ेगी। शिवांगी और अमन एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी करें,
पैसों के बंदोबस्त कर लेंगे। और शिवांगी भागकर अपने बड़े भाई परेश के पास आती है। भैया, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखो बहन, मैंने कुछ दिन पहले ही अमन को पैसे दिए थे, अब बार बार पैसे मैं कहाँ से दूँ? और वैसे भी तुम्हें काफी समझाया था कि अमन से शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बोलते हुए परेश उठकर चला जाता है। शिवांगी रोने लगती है। इधर शिल्पा को पता चलता है तो वो तुरंत अपनी सारे जेवर बेचकर पूरे पैसे लेकर हॉस्पिटल आती है। पीछे से माँ भी आती है। शिवांगी रोते हुए हॉस्पिटल में पहुँचती है तो देखती है शिल्पा पैसे डॉक्टर को दे रही है। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आके कहता है, आपका बच्चा अब ठीक है। शिवांगी भागकर माँ के कदमों में गिरकर माफी मांगती है। ये सब पैसों की बंदोबस्त शिल्पा ने किया, अपनी सारी जेवर बेचकर। ये सुनकर अमन, शिवांगी दोनों शिल्पा से अपने किए पर पश्चाताप करते हैं और माफी मांगते हैं और सभी एक दूसरे से लिपट जाते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कबू टीवी।